नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी का मेंस का एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को है, ठीक है। इसके लिए जीएस 1 और जीएस 2 का और प्लस हिंदी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज का बैच चालू चुका है ऑलरेडी 2 अक्टूबर से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, आप इन तीनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए देखिए, सबसे पहला है सोशियोलॉजी वाला बैच चालू हो चुका है, 9 अक्टूबर से चालू हुआ है। वो बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, और उसमें डेली आंसर राइटिंग होगी, 50 दिनों तक होगी विद मॉडल आंसर, और फीडबैक दिया जाएगा डेली, पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, 5 फुल एंड टेस्ट सीरीज होंगे उसमें। तो वो 9 अक्टूबर से सोशियोलॉजी का चालू हो चुका है ओनली इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। 20 अक्टूबर से चालू हो चुका है पीएसआईआर ऑप्शनल का, वो भी ओनली इंग्लिश मीडियम रहेगा, उसमें भी सेम टू सेम सोशियोलॉजी की तरह 50 दिन की डेली आंसर राइटिंग दी जाएगी, क्वेश्चन विद मॉडल आंसर, ठीक है, और फिर उसका कंप्लीट फीडबैक और गाइडेंस दिया जाएगा, और 5 फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी पीएसआईआर के, जो बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक। एक और ग्रुप है हमारा, अभी हम उसको ओपन करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब दोनों भाषाओं में रहेगा, वो 28 तारीख से चालू होने जा रहा है वो ग्रुप, ठीक है, और उसके लिए आपको मिलेगा, वो दोनों भाषाओं में मिलेगा वो ग्रुप, यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें भी डेली आंसर राइटिंग रहेगी 50 दिनों की विद मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक, और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, मतलब फुल ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, विद मॉडल आंसर दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चन पे मॉडल आंसर दिए जाएंगे, और प्लस आप लिख के देंगे तो बाकायदा नंबरिंग सहित चेकिंग करी जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी सारे ग्रुप्स में, ठीक है, और उसमें बाकायदा पर्सनल फीडबैक मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 67 बीपीएससी मेंस के लिए। देखिए, जो हमारे ऑप्शनल वाले जितने भी ग्रुप हैं जिसमें 50 दिन की आंसर राइटिंग दी जा रही है, आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर और कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, इस पे ये फोकस किया जाएगा कि ये जो 50 क्वेश्चन दिए जाएं पूरे ऑफिशियल सिलेबस के सबसे जरूरी टॉपिक लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, प्लस जो 5 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी फुल लेंथ सिलेबस पे होंगी, तो 5 टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन का बाकायदा मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और जो 50 दिन की आंसर राइटिंग चलेगी इसका भी मॉडल आंसर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपको उस आंसर को लिख के बाकायदा उसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में सबमिट करना होगा ताकि उस पर फीडबैक दिया जा सके, कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, सारे आपको इंप्रूवमेंट बताए जाएंगे कि कहां कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखें, कैसे ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा फ्लोचार्ट आप इंक्लूड कर सकें और अच्छा आंसर लिखा जा सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचे जा सके, ऐसा आंसर लिखा जा सके। टेस्ट सीरीज और डेली मॉडल आंसर राइटिंग जो हम करवाएंगे, ये पूरे सिलेबस के बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट टॉपिक्स होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इन्हीं पे फोकस रहेगा, सबसे जरूरी वाले जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं पे क्वेश्चन कराएंगे, लेटेस्ट पैटर्न और जो है ट्रेंड के हिसाब से लेटेस्ट अपडेटेड होगा सब। देखिए, हमने आपको बता दिया 67 बीपीएससी मेंस के लिए हमारा जीएस 1 2 हिंदी वाला भी ग्रुप चल रहा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों में है वो ग्रुप, जीएस 1 और 2 का और हिंदी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, डेली आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर और कंप्लीट फीडबैक भी दिया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी विद मॉडल आंसर और नंबर चेकिंग होगी बाकायदा 5 जीएस 1 जीएस 2 की, ठीक है, उसमें भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, 2 अक्टूबर से चल रहा है वो। उसके अलावा मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से हमारा सोशियोलॉजी का ग्रुप चल रहा है बिल्कुल पीएसआईआर की तरह। अब इस वाले वीडियो में हम लोग पीएसआईआर के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही 9 अक्टूबर से सोशियोलॉजी का चालू हो चुका है, ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शनल में हम क्या क्या देंगे, ये 20 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुका है ग्रुप, 50 दिन की आपको आंसर राइटिंग मिलेगी विद मॉडल आंसर, डेली 10 बजे क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है ये, सिर्फ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसका 10 बजे रात में मॉडल आंसर अपलोड किया जाता है, फिर आप लोग आंसर लिख के इसको सबमिट करोगे पीडीएफ बना के, फिर उस पर कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या क्या इंप्रूवमेंट पॉइंट है, सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएंगी जो गलतियां हैं, जहां जहां सुधार हो सकता है, जहां कैसे आप कीवर्ड्स इंक्लूड करें, क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का आंसर लिखें, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे फीडबैक मिलता है सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है वर्किंग स्टूडेंट और हाउसवाइफ के लिए, 6000 इसकी फीस है, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वही मिलेंगी। 20 अक्टूबर से ग्रुप चालू है, 50 दिन का है ये, 50 दिन तक डेली एक क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा, आंसर राइटिंग फीडबैक, कंप्लीट फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, 5 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी फुल लेंथ भी, ठीक है, विद मॉडल आंसर और कंप्लीट फीडबैक भी दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, जैसा ऑफिशियल पेपर में आता है पेपर उसी के अनुसार
फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम छांट के देंगे आपको पूरे पीएसआईआर के सिलेबस के, ठीक है। लेकिन ये एक शर्त रखी गई है, वैसे आपको डेली अगर 24 घंटे के अंदर अगर आपको चेक कराना है तो आपको तुरंत, मतलब जैसे ही हम क्वेश्चन देंगे, सुबह 10 बजे क्वेश्चन दिया जाता है, रात में उसका 10 बजे आंसर दिया जाता है, तो उसके मतलब 24 घंटे के अंदर आपको कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप वर्किंग है, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 दिसंबर से पहले कभी भी आप पूरे अपने आंसर और टेस्ट सीरीज का सब चेक करा सकते हैं। ये पीएसआईआर की डिटेल है पूरी, ठीक है। और अगर आपको फिर इसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट के तरीके ये हैं, ये पूरा आपको बैंक डिटेल है, ये 3 यूपीआई आईडी हैं, इसके अलावा 2 क्यूआर कोड हैं, ठीक है। एक इस वाले क्यूआर कोड से किया तो ये वाला आईडी जरूर आनी चाहिए, studyforcivilservices@idfcbank, ठीक। इस वाले क्यूआर कोड से पेमेंट किया तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI वाला आईडी जरूर आनी चाहिए। ये दोनों आईडी हमने ऊपर लिख भी रखी है, आप देख सकते हैं, ये जो है पहली आईडी ये है, दूसरी आईडी ये है, और तीसरी आईडी है sgyan@icici। पेमेंट करने के बाद आपको पूरा नाम, टेलीग्राम नंबर और ग्रुप नेम, यानी कि पर्पस ऑफ पेमेंट, PSIR का लेना है, कौन सा लेना है, पेमेंट प्रूफ, प्लेस, आपको प्लेस मतलब कि आप जब आपने पेमेंट किया तो आपकी बैंक किस स्टेट की है वो प्लेस, या तो आप ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा डिटेल, या तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर क्रॉस चेक करके जोड़ दिया जाएगा। वैसे दिन के टाइम करेंगे तो ऑलमोस्ट तुरंत हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें टेलीग्राम में ही मिलेंगी, पीडीएफ के मार्फत मिलेंगी आपको, क्वेश्चन आंसर का जो आंसर लिखेंगे उसकी पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी ताकि उसका फीडबैक दिया जा सके। जब टेस्ट सीरीज होगी तो उसकी भी आपको पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी ग्रुप में, ठीक है। बाकी कोई पेमेंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं।